नमस्ते वेलकम बैक टू माय अनदा व्लॉग। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मेरा रूम टूर तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो रूम टूर बोल रही है क्योंकि लोग तो होम टूर देते हैं, उसके बाद उसी में रूम टूर मतलब रूम भी दिखाते तो ये अलग से रूम टूर क्यों क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि दी आप प्लीज़ अपना रूम टूर देना और जो रिसेंटली मैंने जो दो तीन दिन आगे ब्लॉग डाला था उसमें मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर प्रतिज्ञा ने बोला था कि प्लीज़ आपका रूम टूर दीजिएगा तो इसीलिए मैंने सोचा आज फ्री थी तो आप सबको मैं मेरा रूम दिखाऊँ ज़्यादा बड़ा नहीं है छोटा सा ये लेकिन सामान बहुत ज़्यादा है तो चलिए दिखाती हूँ स्टार्ट करते हैं आशा करती आप सबको आज का ये ब्लॉग लगेगा तो चलिए लेट्स गो मेरे रूम देखने के लिए तैयार है तो सबसे पहले तो जाते हैं मेन डोर पे मतलब घर का नहीं मेरे रूम का तो चलिए तो गाइस शुरू से शुरू करते हैं सबसे पहले तो ये है मेरे बाहर का पर्दा जो मेरे रूम में जाने के पहले दरवाजे में लगा हुआ है उसके बाद ये है मेरा खूबसूरत सा रूम जो आप सबको अभी मैं डिटेल्स में एक-एक चीज दिखाऊंगी एक-एक चीज समझाऊंगी तो चलिए सबसे पहले तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ क्योंकि ताकि आप सबको बाहर का कुछ भी व्यू ना दिखे बस अंदर का समझने में आसानी हो और सबसे पहले राइट से शुरू करते हैं कोने से और इसमें है एक टाइपर जो मैं बहुत पुराना है मैं जब टिकटॉक बनाती थी, थी तब का और ये देखिए इसका जो हैंडल से वो लूज़ हो गया है तो मेरे हस्बैंड ने इसको सेल्यूटेप लगा दिया है ये बहुत पुराना है लेकिन मुझे फेंकने का मन नहीं करता क्योंकि ये अभी भी यूज हो रहा है तो क्यों फेंके तो इसी इसी के सामने है एक स्टैंड फैन जो चार साल पुराना है मेरे शादी में किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था और अभी इसको मैंने ढककर रख दिया है क्योंकि ये गर्मी में यूज होता है और अभी यूज नहीं हो रहा है तो इसका पंखा में धूल लग जाएगा इसीलिए और इसी के सामने जो पीछे है एक दरवाजा दूसरे रूम का और ये हमेशा बंद रहता है इसीलिए मैंने इसमें छोटे छोटे हुक मंगवा के इसमें लटका दिया है और इसमें लटकाती हूँ मैं चार्जर वगैरह हेडफोन वगैरह क्योंकि मैं कहीं और रख देती हूँ भूख भूल जाती हूँ मेरे हस्बैंड को कभी ढूंढना पड़ता है क्योंकि मेरी चीज़ रखी हुई चीज़ मेरे हस्बैंड को कभी नहीं मिलता है इसीलिए तो उसी के वही दरवाजे के आगे है एक कपड़े रखने वाला आ, मतलब आप लोग रेक बोल सकते हो क्योंकि हमारे लैंग्वेज में इसको बोलते हैं आलना और ये प्योर उडेन का होता है तो ये ना हम लोग जो कहीं घूमने जाते हैं या नई ड्रेस नहीं रखते इसमें रखते हम डेली वेयर कपड़े जो हम लोग के घर में यूज होते हैं और बस डेली वेयर ही रखते हैं और कुछ भी नहीं क्योंकि ये हमेशा कबर से निकालो पहनो ऐसा नहीं कर सकते इसीलिए और ये ऊपर सारे मेरे हस्बैंड के टी शर्ट वगैरह मेरे कुर्ते वगैरह और शर्ट वगैरह है उसके बाद ये मेरे डेली उसके सैंडल्स और जूते हैं उसके बाद यहाँ पर एक ड्रॉर भी है जो मैंने बहुत सारे जूते मेरे हस्बैंड के रखे हुए हैं जो ज्यादा यूज नहीं होते वो और ये ना बहुत यूजफुल कपड़े मतलब कपड़े रखने वाला रेख है तो इसके पीछे है एक स्विच बोर्ड आप सबको तो वो तो पता ही है वो तो चाहिए ही रूम में तो ये सब दिखा दिया तो इसी के सामने एक ये ड्रॉर है जो मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से और ये नाकोड़ा का है और ये इतना मतलब यूजफुल है ना इसमें हर चीज रख सकते हो और ये बहुत मजबूत है प्लास्टिक का है लेकिन बहुत मजबूत है और इसमें रखा है मैंने मेरे हस्बैंड का हैंग की सॉक्स वगैरह क्योंकि एक और मतलब अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं और कहीं इधर उधर हो नहीं जाता ये छोटी छोटी चीज़ और ये देखिए मैंने बॉल जैसा बनाया है, दो पेयर सॉक्स के और उनको ढूंढने में भी बहुत आसानी होती है और मेरे भी रखा हुआ है और बहुत सारा सामान रखा हुआ है ये बहुत यूज़फुल है और मेरे हस्बैंड के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उनको मेरी रखी हुई चीज़ मिलती नहीं है और इसके ऊपर रखा है मैंने औरगाम और जो भी मेरे इधर उधर जाते टाइम लग रख मतलब पहन के जाती हूँ जो मेरे गोल्ड के हैं वो तो मैं कबर में रखती हूँ लेकिन जो ऐसे ही डेली वे डेली यूज होते हैं वो ऑर्नामेंट्स मैं ऐसे यहाँ पे रखी रख दिया है और ये मैंने इसीलिए ख़रीदा है क्योंकि ये हर छोटी छोटी चीज़ में रख सकूँ और उसी के सामने है ये ड्रेसिंग मीर और ये तो सबसे प्यारा है क्योंकि इसमें ही है मेरा सब कुछ और हर लड़की के लिए ये सब कुछ ही होता है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ है हर चीज़ मतलब तो चलिए सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे बड़े बड़े लाइट लगे हुए लेकिन इसका ना छोटा छोटा लाइट है लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मेकअप करने के लिए बड़े बड़े लगा दिए चलिए इसको ऑन करते हैं और देखिए ये कितना बड़ा बड़ा है और सब कुछ अच्छे से दिखता है तो चलिए मैं भी थोड़ा सा आप सबको दिखा दूँ तो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ इसके अंदर मैंने क्या क्या भर के रखा हुआ है तो ये ना ऐसे राउंड राउंड घूमता है चारों तरफ ये जो मिरर है और उधर ऊपर से नीचे तक ना यहाँ पे सेल्फ लगा हुआ है चीजें रखने के लिए थ्री सेल्फ है और नीचे एक सेल्फ ही है वो भी तो चलिए क्या क्या है सबसे ऊपर रखती हूँ मैं शैम्पू जो मेरे हस्बैंड से जी से ले लेके आते हैं मैं खरीदती हूँ ज़्यादातर एक दो तीन में खरीद के रखती हूँ क्योंकि मैं रोज रोज नहीं जाती मार्केट उसके नीचे है फाउंडेशन वगैरह कॉम्पैक्ट वगैरह वेस्ट और परफ्यूम ये सब सीसी क्रीम ये सब रखती हूँ उसके नीचे है नेल पॉलिश लिपस्टिक लिप बाम ये सब रखती हूँ और नीचे है मेरे हस्बैंड का क्रीम वगैरह परफ्यूम वगैरह ये सब तो ये है पीछे का सेल्फ जो बस ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है सब जगह मतलब उसके बाद ऊपर एक कंगी वगैरह रखने के लिए मैंने मंगवाया था एमेज़ोन से वो होए उसके बाद ये अंदर अंदर भी तीन स्लैब है और सबसे ऊपर मैंने ब्रास वगैरह आई ये सब रखा है उसके बाद फिर नीचे है बिंदी उसके बाद आई सेडो, सिंदूर और नीचे सबसे नीचे है ऐसे ही फाउंडेशन वगैरह वह सब रखा हुआ है उसके बाद ऐसे ही दोनों तरफ दरवाजे मतलब खोलने के लिए एक दरवाजा दिया है अंदर है आ, सेल्फ और यहाँ पे सिर्फ एयरबर्ट दिख रहे होंगे आप सबको और ये मार्क्स वगैरह है और ये खुल गया था तो ये मार्क्स वगैरह है उपतन वगैरह है और ये बिंदी वगैरह घड़ी का जो बॉक्स है वो और सबसे आप सबको इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ ये देखिए ये दिख रहा है ना कुछ जी ये हंड्रेड्स रुपीस का नोट दिख रहा है और यहाँ पे क्या नाम दिख रहा है रोबी छेत्री और वर्षा छेत्री तो पता है ये ना मेरे हस्बैंड को जब हम लोगों का एंगेजमेंट हुआ था ना तब एज ए गिफ्ट या सगुन की तरफ से मेरे घर वालों ने दिया था तो उन्होंने घर आके हमारा नाम लिख के सेल्यूटेप लगा के मतलब इसको बोला कि कभी खोलना मत बस ये याद है यादों की तरह रखो हमारे फर्स्ट मतलब आ, गिफ्ट जो हम लोगों के शादी में मतलब एंगेजमेंट में दिया था तो कितना क्यूट है ये जितने भी पैसों की जरूरत हो कभी नहीं खुलता और सबसे ऊपर है ये सनग्लास जो दो मेरे हैं एक हस्बैंड के उसके बाद ये ऑयल का बोतल है तो नीचे ये क्लीफ वगैरह लबर बैंड वगैरह रखा है और ये डेली यूज का टोनर सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर ये परफ्यूम वगैरह उसके बाद सीरम वगैरह ये मेरी डेली यूज का है तो मैं बाहर ही रखती हूँ उसका फिर ये ऑर्नामेंट्स है जो मुझे डेली यूज डेली यूज़ नहीं कभी कभी पार्टी वर्टी जाते टाइम पहनती हूँ तो यहां पर रख दिया है मैं ये सब अंदर कबड़ में नहीं रखती और ये बैंगल्स वगैरह है तो यही सब कुछ मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ उसके बाद ये ड्रॉवर में भी शादी का कुछ ज्वेलरी है जो हैवी है तो इधर ही रखती हूँ यहाँ बैठ के हम लोग मेकअप कर सकते हैं तो ये कभी कभी यूज़ होता है ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि मुझे खड़े होकर ही करना पसंद है और यहाँ भी एक ड्रॉर है और ये मेकअप बॉक्स है तो बस यही है मेरे ड्रेसिंग मिरोड में लेकिन बहुत कुछ है ना गाइस बहुत कुछ है तो जितना हो सके मैं आप लोग तो को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये सब तो मैंने आप सबको दिखा दिया और उसी के सामने है एक स्विच बोर्ड और ये लाल हीट और काला हीट क्योंकि कभी कभी मच्छर और कॉकरोच हो जाते तो सबसे पहले ये देखिए ये जो मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से ये यहाँ का नहीं है ये नाहन का है मतलब हिमाचल चल का जब तब मैं वहाँ पे आलू प्याज रखती थी लेकिन अभी यहाँ पे मैंने बैंगल्स वगैरह रख दिया है और ये बैंगल्स का जो होल्डर है वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था और ये सारे बैंगल्स मेरे शादी के हैं जो मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ तभी भी मैं ऐसे सजा के रखी हूँ शादी का है यादें है बहुत सारे मेमोरीज है तो ये जो टोकरी है मैं टोकरी है अभी टोकरी है तो इसके में कितना कुछ रखा हुआ है देखिए पर्स रखा हुआ है सुई धागा रखा है और बेंगल्स भी रखा हुआ है और ये बेंगल्स जो <ँग> उसमें नहीं हो रहा है मतलब बेंगल्स रखने स्टैंड में ज़्यादा ही हो रहा है तो ये ऑर्नामेंट्स देखिए पहनते टाइम तो कहीं जाते टाइम नहीं होता है लेकिन रखने टाइम रखने का जगह ही नहीं होता और पहनने के टाइम में वो कभी मिलता ही नहीं इसीलिए मैंने हर चीज़ एक साथ रखा है और ये दो मेरे क्यूट से टेडी जो मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी के वक्त मतलब शादी के एक दो दिन बाद मुझे दिया था गिफ्ट एज ए गिफ्ट तो ये भी मैं उनकी याद समझ के रखती हूँ हमेशा ही और कभी कभी उनसे गुस्सा है जो इनसे मैं बात करके गुस्सा उतारती हूँ तो आप सोच रहे होंगे ये सब मैं एक टेबल पे रख रही हूँ है ना आप लोग तो यही लग रहा है कि ये एक टेबल है लेकिन गाइस ये टेबल नहीं है क्या है मैं अभी दिखाती हूँ चलिए देखते ये है एक ट्रंक और ये ट्रंक कहाँ का है देखिए आर्मी कैंट टू न्यू तिन जंक्शन मतलब जब हम हिमाचल में थे ना तब का ये ट्रंक है और ये जो हिमाचल में कपड़े वगैरह और एक ट्रंक में तो बस किचन का सामान है ये दोनों ट्रांक को मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख दिया है और एक बेडसीट से ढक दिया है और कभी किसी को पता नहीं चलता है कि यह एक ट्रंक है तो इसको भी मैंने कितना अच्छे से यूज किया है देखिए इसमें ये एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह रख दिया मैं चार्जिंग करती हूं कुछ भी करती हूं आयरन करती हूं और यहां पे साड़ी रखा है जो मुझे फॉल्स लगाना है तो ये देखिए आप लोगों को देखकर पता नहीं चल रहा है ना टेबल है लेकिन ये ट्रांक है और ये मैं स्टोर रूम में भी रख सकती थी लेकिन आपको पता है मेरे फादर इन लॉ भी डिफेंस में और उनका इतना ट्रांक है तो मैं कहाँ रखू और आप लोगों को पता है जो डिफेंस में करते हैं उनका घर में और कुछ हो ना हो ट्रांक और सी का सामान तो होता ही है तो मैंने सोचा मेरे रूम में रखती हूं और सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखती हूं और है ये टीवी टीवी के ऊपर घड़ी है और टीवी के नीचे भी एक रेक मतलब आप लोग देख रहे होंगे टेबल है लेकिन ये भी टेबल नहीं है गाइस इस हाँ जी ये भी टेबल नहीं है ये है एक सु रखनी सुज रखने वाला रेक है जो मैंने इसको टेबल बना दिया है और ये मैं बाहर रख सकती थी लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा सामान रखने के लिए मैंने रख दिया नीचे सारे हस्बैंड के है ऊपर मेरे है और इसके ऊपर मैंने क्या क्या रखा है आप सबको अभी मैं दिखाती हूँ और इसको मैंने कितना अच्छे से यूज किया है तो मैंने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से यूज करने के लिए रखा है और इसके ऊपर टाइपोड रखा है लैपटॉप रखा है डीवीडी रखा है उसके बाद माउस वगैरह और ये होम थिएटर जो मेरे हस्बैंड के सबसे प्यारा है क्योंकि वो अगर घर आए और म्यूजिक से ये रूम ना कपे ना तो तब तक तो उनका शांति नहीं मिलती और खिड़की के ऊपर देखिए सारे स्पीकर लगा के रखा हुआ है और टी वी सीधा मेरे बेड से दिखाई देता है इसीलिए सामने ही लगाया है टी वी और उसी के सामने और एक टेबल है और ये आप फिर से सोच रहे होंगे टेबल है लेकिन नहीं ले, आप लोगों को दिखाई दे रहा है हाँ जी ये भी ट्रंक है और इसमें सारे मेरे हस्बैंड के कपड़े भरे हुए हैं तो इसके ऊपर मैंने बुक्स रख दिया है जो मैं पढ़ती पर, हूँ और इसमें सारे मेरे हस्बैंड के ही है ये टोकरी में तो ये सारे बुक मेरे है मैं पढ़ती हूँ और पढ़ के तो जहाँ तक नहीं रख सकती तो इसको रखने के लिए ही मैंने ये सब ऑर्गेनाइज किया है और आप सब देख सकते हो कि हर चीज़ मैंने मतलब अपने हिसाब से मिला के रखा हुआ है तो उसी के सामने है ये कबर्ड और ये कबर्ड तीन सेल्फ का है मतलब तीन डोर है इसका और इसके अंदर को क्या ही दिखाऊं मैं सारे कपड़े ये वो मैंने नहीं दिखाया है इसके ऊपर बेग रखने वाला एक डोर है यहाँ भी एक ड्रॉ है उसके बाद यहाँ पे मैंने आयरन वगैरह और जो स्टेटनर है ड्रॉयर है वो सब मैंने रख दिया है और इसमें भी एक मिरर लगा हुआ है उसी के सामने मैंने हीटर रखा है ये बास्केट के ऊपर और इस बास्केट में मेरे गर्म के कपड़े हैं मतलब ऐसे ही रख दिया है और यहाँ पे एक खिड़की है लेकिन मैं ये कभी नहीं खोलती और इसी के दीवार में हमारे फ़ोटो से फैमिली फ़ोटो मेरे और हस्बैंड नानू के उसके बाद मेरे और ऊपर एक सेल्फ बना हुआ है उसमें भी ट्रांक है जो मेरे शादी में दिया था ट्रॉली वगैरह है बैग है पानी का कंटेनर है उसके बाद हीटर का बॉक्स वगैरह है और ये है मेरे सबसे प्यारा बेड और मैं हमेशा ब्लैंकेट ऐसे ही रखती हूँ और यहाँ पे क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ पहले तो ये तोलिया है जो हमेशा यूज़ होती है इसीलिए मैं टँग के रखा है उसके बाद आ, मेरे और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो ये मेरे ट्वेंटी टू बर्थडे जो मेरे हस्बैंड के घर में फर्स्ट मनाया था और ये मेरे हस्बैंड उसके बाद उनको अवॉर्ड मिला था उनकी ड्रेस पहन कर वो और मैं मेरे हस्बैंड और मैं तो फिर मेरे बेड के जो ड्रॉयर है वो सब में क्या क्या है मेरी मेडिसिन वगैरह पानी घड़ी और ये मेरे सर दर्द की बाम और ये मेरे हस्बैंड ने लद्दाख से लेके आए थे और इसमें पैसे भी है गाइस कॉइन कॉइन उसके बाद ये कुछ सामान है उसके बाद ये ट्रिमर है कुछ है और ये मेरे पापा मम्मी है और पापा तो डेथ हो चुका है पापा का तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड की फोटो मेडिसिन टोकरी बहुत कुछ है अभी रूम में बहुत कुछ होता है जो भी खुद को चाहिए है ना और यहाँ पे और एक डोर है ये अंदर यहाँ पे बहुत सारे पुराने कपड़े वगैरह बोतलें वगैरह कुछ कुछ है तो यही है मेरे मेरा प्यारा सा रूम और आ, इसी बेड पे बैठ कर मैं हमेशा टीवी देखती हूँ सामने की और, और यही है मेरा सारा रूम मैंने आप सबको एक एक दिखाने की कोशिश और स्पेस कितना है देखिए इतना सामान रखा है तभी भी स्पेस बहुत ज्यादा है और यही है मेरा प्यारा सा रूम तो इस रूम के ऊपर एक लाइट है दो सीलिंग में लगे हुए ही फॉल्स लाइट है उसके बाद फैन है और यही है बस और ये ऊपर ट्रॉली वगैरह हीटर सो so गाइज़ देखा आप सब ने मेरा रूम कैसा लगा आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा और ना ऐसे होम टूर या रूम टूर देते टाइम ना एक कैमरा पकड़ने के लिए कैमरा मैन भी चाहिए क्योंकि ऐसे मतलब खुद फ़ोन पकड़ के मतलब ऐसे सब कुछ दिखा नहीं सकते बहुत प्रॉब्लम होती है लेकिन तभी भी मैंने आप सबको दिखाने के लिए बहुत कोशिश किया है अच्छे से और अच्छे से मतलब समझाने की कोशिश किया है तो ज़रूर आप लोग समझ चुके होंगे मतलब आप लोग एक मैंने में तो कर चुके होंगे कि हाँ ऐसा है उसका रूम बहुत कोशिश किया है बहुत अच्छे से दिखाने की ये भी सोच रहे होंगे कि मतलब इतने छोटे से कमरे में इतना सारा सामान रखा हुआ है लेकिन इतना सामान रख के बिना बहुत स्पेस है और भी चीज़ रख सकते हैं और हर हर एक चीज़ ना मैं मतलब यूज फुल यूज़ करने के लिए ही रखा हुआ है क्योंकि हर चीज़ यूज़ होता है अभी ट्रॉ के ऊपर कितना सामान रख सकते हैं शूज रेक के ऊपर भी कितना सामान रख सकते हैं वो वेस्ट नहीं होता बाहर ऐसे ही मतलब आ, नहीं निकाल देते हर चीज़ मैं यूज़ करती हूँ तो इसीलिए और देखने के लिए इतना सुंदर होता है इसीलिए मैंने हर चीज़ मतलब आ, एक अच्छे से सजा के रखा हुआ है और अच्छे से आप सबको दिखाने की कोशिश किया है तो आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा रूम अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजिए अगर होम टूर भी चाहिए तो आप सब मुझे बता सकते हो मैं आप सबको जरूर दूंगी और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे डिमांड करते हो ऐसे करो वैसे करो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सबसे मिलती हूँ मैं दूसरे ब्लॉग में बाय सी यू नेक्स्ट ब्लॉग